एंजियोजन चेतना जागरण मंच ने लगभग 825 बच्चों के लिए चावल, दाल, गोभी, आलू व कद्दू की सब्जी उपलब्ध कराई थी। अभी वर्ग 105 के बच्चे भोजन कर चुके थे। कुछ छात्र छात्रों ने पेट दर्द और उल्टे की शिकायत की। एम्बुलेंस से बच्चों को बगहा अनुमंडल अस्पताल पहुँचाया गया। अस्पताल में बेड की कमी थी और एक बेड पर 3 से 4 छात्र लेटे हुए थे। अस्पताल में पुलिस कर रही कैंप, सभी का इलाज चल रहा है। बिहार के सरकारी स्कूल में मिड डे मील के नाम पर बच्चों के जान से खिलवाड़ किया जा रहा। पिछले कुछ दिनों से लगातार मिड डे मील के भोजन में गड़बड़ी के मामले सामने आ रहे हैं। वहीं अब ताजा मामला पश्चिम चंपारण जिले के बगहा से है। गुरुवार को मध्याह्न भोजन के बाद दर्जनों भर बच्चे बीमार हो गए। ये पूरा मामला बगहा 2 के राजकीय मध्य विद्यालय बरवल का है, जहां स्कूल के मध्याह्न भोजन के बाद दर्जनों बच्चों की तबीयत बिगड़ गई। वहीं हंगामे के बाद पुलिस मौके पर पहुंची और बच्चों को एम्बुलेंस के सहारे अनुमंडलीय अस्पताल में भर्ती कराया गया।